सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे हैव वेरी क्विक और शॉर्ट रिव्यू अबाउट फिटबिट ऑल्टा इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है फिटबिट का एक ऑल्टा, जो आपका एक फिटनेस बैंड है ना। इसको लॉन्च हुए अराउंड अभी 5 to 6 month ही हुए हैं और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ये बहुत लोगों को बहुत अच्छा भी लगा है और सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फिटबिट का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सो इसके बॉक्स में आप देखेंगे तो बॉक्स में आपको एक बहुत ही अच्छे टाइप का बॉक्स दिखेगा। आपको बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट टाइप का बॉक्स दिखेगा आपको। अब इसको ओपन करेंगे तो यू कैन सी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है आपका फिटनेस बैंड, जो ट्रैकर है वो इसके अंदर आएगा, है ना। ये आपका इसका यूज़र मैनुअल आएगा, ये आपका चार्जिंग बॉक्स आएगा, ठीक है। इसमें जाएंगे तो आपको चार्जर दिखेगा, चार्जर मिलेगा। हालांकि मैंने अभी चार्जर निकाल करके मेरे पोर्ट के अंदर मेरे नीचे रूम में रह गया शायद, चार्जर मैंने निकाल लिया था इसमें से। तो एक आपको क्लिप टाइप चार्जर मिलता है, जो यूएसबी केबल होती है क्लिप टाइप, तो आपको यहाँ क्लिप करना होता है पीछे के साइड पे इसको, और फिर उसको आप यहाँ इस साइड आपको क्लिप करने का होता है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और फिर उसको आपको यूएसबी केबल से लगा देना, मतलब आपके किसी भी पावर केबल या लैपटॉप से लगा देना होता है। उसके बाद आपको एक ही डोंगल मिलता है इसके अंदर। सो इस डोंगल का क्या यूज़ होता है? इस डोंगल का यूज़ होता है जब आप इसको किसी जब आप अपने इस फिटबिट ट्रैकर को लैपटॉप या किसी कंप्यूटर के साथ सिंक करना चाहते हो, तो फर्स्ट टाइम आपको इस डोंगल को लगा करके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये आपका सिंक होगा। पर ये फर्स्ट टाइम ही जब आप लैपटॉप से सिंक करना चाहते हो या कनेक्ट करना चाहते हो, तो फर्स्ट टाइम आपके ये यूज़ में आता है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ हाउ टू सिंक योर फिटबिट अल्ट्रा, है ना, यूजिंग एनी एंड्रॉयड डिवाइस, ठीक है, और एनी अदर डिवाइसेस। तो सबसे बड़ी बात, आपका फिटबिट है जो कि मल्टीपल स्पोर्ट्स ट्रैकिंग बैंड है ना, सॉरी मतलब ये आपका लगभग सभी फ़ोनों के साथ कॉन्फ़िगर हो जाता है ना। ये आपके एंड एप्पल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। इवन आपके 200+ मोबाइल जिसमें आपका एंड्रॉयड फ़ोन आता है, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपका कोई भी एक ऐसा फ़ोन जिसका वर्ज़न 4.0 से ऊपर हो, है ना, यानी 4.4 आपका एटलीस्ट होना चाहिए, तब जा करके आप इसको यूज़ कर अपने फ़ोन के साथ यूज़ कर सकोगे। और विंडोज़ फ़ोन के साथ भी ये आपका कॉन्फ़िगर हो जाता है, विंडोज़ फ़ोन के साथ भी आपका ये वर्क करता है, पर ये आपका विंडोज़ फ़ोन आपका विंडोज़ 10 होना चाहिए, विंडोज़ 10 के अंदर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि फिटबिट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट है और आपके हर फ़ोन के साथ, हर डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जब आप इसको पहली बार बॉक्स में से निकालोगे तो ये डिस्चार्ज रहता है। तो फर्स्ट टाइम आपको इसको चार्ज करना होता है अराउंड 20 to 15 minutes, है ना, जितनी देर आप इसको चार्ज करो। इसकी चार्जिंग कैपेसिटी बहुत स्पीडली, ये बहुत स्पीडली चार्ज होता है। आप इसको मुश्किल से आधा घंटे से 1 घंटा लगा के रखो, ये फुल चार्ज हो जाएगा, डिपेंडिंग आप कौन सा अडेप्टर यूज़ कर रहे हो या इसको लैपटॉप से चार्ज कर रहे हो। हालांकि मैंने इसको लैपटॉप से चार्ज करके देखा है, लैपटॉप के अंदर ये 2 से विद इन 20 मिनट्स से लेकर के 1 आवर के बीच में आसानी से फुल चार्ज हो जाता है। बट मैंने अभी इसको एक पावर अडेप्टर से चार्ज किया जो कि मेरे मोबाइल का पावर अडेप्टर है, तो उससे चार्ज होने में इसको बहुत ही टाइम लगा, यानी ये अभी अराउंड 20 मिनट्स के अंदर 15 to 20% ही चार्ज हो पाया। तो यानी इसको एक अच्छा पावर अडेप्टर का ज़रूरत है। तो बॉक्स के अंदर से पावर अडेप्टर नहीं निकलता, पावर अडेप्टर आपको खुद को परचेज़ करना पड़ेगा। और जयपुर में मैंने इसको अपने राजस्थान जयपुर से इसको परचेज़ कराया। इसकी कॉस्टिंग अभी 12,990 का मुझे ये पड़ा, यानी अराउंड 13,000 की कॉस्ट का मुझे ये पड़ा। और आप देखिएगा, आपको जो फिटबिट मिलता है वो हमेशा साइजेस के अंदर आता है, जो उसका बैंड है वो बहुत डिफरेंट साइजेस के आते हैं और डिफरेंट कलर में आते हैं। तो ये ऐसे रिमूवेबल स्ट्रैप के अंदर होता है, आप इसके स्ट्रैप्स को चेंज कर सकते हैं। और इवन सबसे बड़ी बात, अल्ट्रा पे आप व्हाट्सएप मैसेज और कॉलिंग नोटिफिकेशन दोनों देख सकते हो। इसकी इतनी सी स्क्रीन है, बट इस पे आप अल्ट्रा पे आप व्हाट्सएप और कॉलिंग नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉफिट है इसका, है ना। सो मैं आपको बताता हूँ हाउ टू कॉन्फिगर योर डिवाइस यूजिंग एंड्रॉयड मोबाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने फ़ोन के अंदर फिटबिट का ऐप इंस्टॉल करना होगा, जो कि प्ले स्टोर पर आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ये रहा फिटबिट, या यू हैव टू गो योर फिटबिट ट्रैकर डिवाइस ऐप। अब आपको अपना नेट ऑन करना पड़ेगा, चाहे आप कोई सा भी नेट यूज़ कर रहे हो, पर्सनल नेट या फिर कोई भी वाईफाई जो आपके घर पे लगा हुआ हो या एनीथिंग एल्स, कोई सा भी आपको नेट इंस्टॉल करने चालू करने का है। जैसे ही आपका नेट कनेक्ट होता है, तो एक डिवाइस मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है ब्लेज, मैंने उसको ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है।
जब आप यूज़र इंटरफेस में आएंगे तो आपको फर्स्ट टाइम इसको ज्वाइन करना होता है लॉगिन की जगह। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको, जैसे अभी मैं डिवाइस में आऊँगा, अब मैं, हाँ सॉरी, आप जैसे डिवाइस में आएंगे तो डिवाइस, हाँ जब आप फर्स्ट टाइम, सॉरी सॉरी आई एम मैं भूल गया, तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करते हो तो आपको अपना फ़ोन में ऐप डालने का होता है। ऐप डालते ही आप जब इसको स्टार्ट करोगे तो आपका लॉगिन और ज्वाइन आएगा। तो अगर आप पहली बार परचेज़ कर रहे हो तो आपको इसको लॉगिन करना है। अगर आप सेकेंड टाइम इसे परचेज़ कर रहे हो, कोई दूसरा डिवाइस परचेज़ कर रहे हो, या आप इसको दूसरे डिवाइस या किसी और मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हो अपने डिवाइस को, तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको वो पुराना वाला मेल आईडी डलेगा। मेल आईडी डालते ही आपको डैशबोर्ड पे आकर के डिवाइस में जाना है। डिवाइस में जाकर के आपको प्लस करने का है। प्लस करते ही आपको ये दिखाएगा रिप्लेस और ऐड योर डिवाइस। ठीक है, तो मैं ऐड करूँगा, रिप्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास दो डिवाइस हैं और मेरे को दोनों ही डिवाइसों को इसको मोबाइल पर यूज़ करना है। तो मैं ऐड न्यू डिवाइस करूँगा। जैसे मैं ऐड न्यू डिवाइस करता हूँ तो ये फिटनेस ट्रैकर्स को ट्रैक करने लग जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फिटबिट के जितने भी ट्रैकर्स आते हैं सारे देखने को मिल जाएंगे। जिस जो आपका ट्रैकर है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अल्ट्रा सेलेक्ट करा, सेटअप माई फिटबिट अल्ट्रा, ओके। ये मेरे को बोल रहा है कि आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा अपने फ़ोन का। ठीक है, मैंने ऑन कर लिया। देन अभी ये सर्च कनेक्ट करेगा। थोड़ा मेरा नेट स्लो है, दैट्स वाई। हाय, तो मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, दैट्स वाई थोड़ा टाइम ले रहा है। बट इतना टाइम नहीं लेता, इफ़ यू हैव ए वेरी गुड नेट तो ये बहुत स्पीडली प्रोसेस हो जाता है। तो अभी ये हाल फिलहाल मेरा डिवाइस सर्च कर रहा है। डिवाइस सर्च करते ही ये कनेक्टेड हो जाएगा। कनेक्ट होने के टाइम पर ये एक छोटा सा फाइल डाउनलोड करता है। आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है। सॉरी, बैक से बैक का बटन दब गया। गो टू ऐड टू डिवाइस, या ऐड न्यू डिवाइस। अल्ट्रा, या सेटअप माई अल्ट्रा, हाँ आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। ही टोल्ड दे टोल्ड यू ही टोल्ड यू अबाउट ऐप के अंदर कि आपको तीन चीज़ें मिलती हैं जब आप फर्स्ट टाइम अल्ट्रा परचेज़ करते हो। तो जिसके अंदर आपका डिवाइस हो गया, आपका चार्जर हो गया और आपका डोंगल हो गया। देन नेक्स्ट करना है, ये आपको एक ग्राफिकल इमेज दिखाएगा कि आपको उसके चार्जर से कनेक्ट करना है। हालांकि मैं ऑलरेडी ये चार्जर से कनेक्ट करके और इसको चार्ज कर चुका हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अभी कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्टिंग हो रहा है, यानी कनेक्ट हो गया। अभी मेरे को पासवर्ड शेयर करेगा। पासवर्ड शेयर करते ही मेरे को पासवर्ड डालने का है 9453। जैसे ही मैं पासवर्ड डालता हूँ ये कनेक्ट होने लग जाता है। अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है। जैसे अपन सिंपली ब्लूटूथ कभी फर्स्ट टाइम पेयर करते हैं तो ब्लूटूथ फर्स्ट टाइम पेयरिंग के अंदर वो पासवर्ड मांगता है। सिंपली सिंपल सा प्रोसेस है। ये भी इसके अंदर ऐसा ही होगा। पहले टाइम जब अपन उसको सिंक करेंगे तो ये अपने से पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड जो कि पेयरिंग का पासवर्ड होता है डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए। तो अभी ये पेयर हो रहा है। पेयर होते ही एक प्रोसेस और होगा जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा जो कि अल्ट्रा का सॉफ्टवेयर होगा। उसको अराउंड 10 मिनट्स लगेंगे डाउनलोड होते ही। जो करंट टाइम आपका मोबाइल में चल रहा है वही सेम टाइम इसके ऊपर सेट हो जाएगा और आपका जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब इसके ऊपर आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। इवन आपको एक्टिविटीज़ भी सारी देखने को मिल जाएंगी। या आपने क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं इस पर। आप अल्ट्रा के अंदर आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं जिसके अंदर आपका बेसिक नीड के अंदर आपका डिस्टेंस, स्टेप्स, आपने सारा दिन भर में कितना स्टेप्स लिया, आपने कितना कैलोरी बर्न करा। इसके अलावा आपने आपने मतलब सारा दिन का गोल कितना पूरा होता है, इसमें गोल डला होता है 10,000 स्टेप्स का कि आपने कितना गोल पूरा करा। इवन इस पर आप कॉलिंग और व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस भी देख सकते हो। और इसके साथ स्मार्ट स्पोर्ट्स ट्रैकिंग का ऑप्शन आता है। इफ़ यू आर डूइंग एनी स्पोर्ट्स लाइक आप क्रिकेट खेल रहे हो, एनीथिंग एल्स खेल रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक कर लेता है। साथ ही ये आपका एक बहुत ही अच्छे लुक के अंदर आता है। फिटनेस बैंड टाइप का लुक है तो बेस्ट दिखने के अंदर, और इवन फीचर वाइज और प्राइस वाइज बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट आपका। कंपनी पूरी 1 ईयर वारंटी क्लेम करती है इसके साथ। अगर कुछ भी गलत होता है, सपोज करिए ख़राब हो गया, एनीथिंग एल्स कुछ भी हुआ, तो
तो कंपनी आपको फुल्ली रिप्लेसमेंट का वारंटी देती है, आपको 1 मंथ के अंदर पूरा पूरा रिप्लेसमेंट मिलेगा प्रोडक्ट का। एक्चुअली मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा, वैसे से उसको 1 मिनट में कनेक्ट हो जाता है ये। अभी इसकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है fitbit/setup.com। जैसे ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। वेबसाइट पे जाते ही एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते ही दोनों आपस में काम करने लगते हैं। हाँ, अभी ये मेरे से मेरा पैट नेम पूछ रहा है, मैं मेरा पैट नेम डालता हूँ PUN, देन नेक्स्ट। मेरा लगता है मेरा नेट ही बहुत स्लो चल रहा है, दैट्स वाई ये कॉन्फ़िगर होने में इतना टाइम ले रहा है, नहीं तो इसको इतना टाइम नहीं लेता। अभी मेरे को टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा। ओके, अभी ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा है। अब इस पर आपको एक लोडिंग होता हुआ दिख रहा है, सेमली ये लोडिंग होता हुआ, वैसे ये कंप्लीट हो गया, देखिए कितना स्पीडली कंप्लीट हो गया। अब जो मेरी घड़ी में टाइम चल रहा था, अभी मेरा कंप्लीट हो गया, अभी सिंक हो रहा है। हैंग ऑन, अभी देखिए आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता हुआ इस पर दिखेगा, ये रहा। जैसे सपोज करिए गेम लोडिंग लेता है, वैसे ही सेमली ये लोडिंग ले रहा है। लोडिंग पूरा होते ही आपका डिवाइस ऑन हो जाएगा और आपके फ़ोन के साथ सिंक हो जाएगा। ठीक है, फिटबिट के और क्या प्रॉफिट है इस डिवाइस की? जब ये आपका गोल पूरा होता है, तो गोल पूरा होने से पहले इस पे ये आपको फ्लावर का ग्राफिक दिखाई देता है। जब वो फ्लावर पूरा बन गया, मतलब आपका जो भी आपने गोल सेट कर रखा है, चाहे वो कैलोरी का हो, चाहे वो स्टेप्स का हो, चाहे वो डिस्टेंस का हो, वो पूरा होते ही मतलब आपका एक फ्लावर जैसे पूरा हो जाएगा, तो आपका गोल भी उसी तरीके से पूरा हो गया। तो इस पे ग्राफिकली एक अच्छा व्यू दिखाया गया है। इवन इसमें आप व्हाट्सएप मैसेज भी, या फिर आपको जो भी आपके दिन भर के कोई किसी भी एक ऐसा मैसेज मैसेंजर जिसपे आपके पास सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं, है ना, तो उस मैसेंजर को इस पे सेट कर सकते हो। बट ये एक ही मैसेंजर के नोटिफिकेशन दिखाएगा। सपोज करो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप के मैसेज भी आ रहे हो, आपके अदर मैसेज भी आ रहे हो, तो अदर मैसेज नहीं दिखाएगा। आपको सेट करना पड़ता है कि आपको किस मैसेंजर का मैसेज चाहिए, तो वो सेटिंग्स में जाके सेट हो जाता है। अगर आपको व्हाट्सएप पसंद है तो आप व्हाट्सएप का मैसेज देख सकते हैं, एनीथिंग एल्स कोई और सा मैसेंजर पता है पसंद है तो आप उसके मैसेज देख सकते हैं। तो उस पर ये प्रॉफिट अवेलेबल है कि आप उसको मैसेज को भी देख सकते हो। और इवन ये आपका 30 मीटर्स तक वाटर रेजिस्टेंट है, आप इसको पानी में लेके जा सकते हो 30 मीटर तक। तो प्रॉफिट ये है कि अगर अपन स्विमिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये बहुत प्रॉफिटेबल रहता है। तो जैसे ही अभी आप देख रहे हैं, जैसे ही आपका ये 30 मिनट्स का जो भी है, वो पूरा जो 10 मिनट का आपका ये प्रोसेस है फाइल डाउनलोडिंग का, देखिए अभी फाइल डाउनलोड हो रही है, मेरे फ़ोन पे भी डाउनलोड हो रहा होगा। जैसे ये प्रोसेस पूरा होता है, व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड ही टेक्स 10 मिनट्स अराउंड। और 10 मिनट ये बोलते हैं अगर आपका वाईफाई का स्पीड या आपका नेट का स्पीड अच्छा है ना, तो अराउंड ये आपका 5 to 6 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही कंप्लीट होता है, आपका फिटबिट का बैंड स्टार्ट हो जाएगा वर्क करना। थोड़ा सा स्टार्टिंग का इसका जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको आपको फर्स्ट टाइम ही कॉन्फ़िगर करना होता है। फर्स्ट टाइम जब आप इसको नया नया परचेज कर रहे हो, तभी ऐसे कॉन्फ़िगर होता है। अगर आपने इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है ऑलरेडी और आपको अपना डिवाइस चेंज करना है, तो डिवाइस चेंज करते टाइम पर इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। केवल ये आपको एक पासवर्ड शो करता है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, ब्लूटूथ के थ्रू पेयरिंग के टाइम पे वो व्हाट्स पासवर्ड शेयर करेगा डिवाइस ऐड करते ही, एड ऑन करते ही। तो वो आपका, सॉरी इट इज़ नॉट वर्किंग, क्या आ गया यार, अरे यार डाउनलोड नहीं हुआ है। अब देखिए अभी ये डिवाइस शायद मेरा नेट डिसकनेक्ट हो गया है, मेरा नेट का स्पीड स्लो हो गया, दैट्स वाई मेरा ये आधा अधूरा रह गया, वापस से सिंक हो रहा है। अब देखें कितना टाइम लेता है सिंक होने में। ये क्या डिपेंड करता है आपके फ़ोन के ऊपर भी। अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा अच्छा है, अब जैसे मेरे पास हुआई हॉनर भी है, ये साला 4,500 रुपये का फ़ोन है, 4,500 के वाले फ़ोन में इतनी चीज़ें हो रही है वो बहुत बड़ी बात है। तो अब मेरा फ़ोन ही ऐसा है, दैट्स वाई थोड़ा सिंक होने में और काम करने में थोड़ा इसको टाइम लग रहा है। अगर मेरा फ़ोन थोड़ा सा भी अच्छा हो, अगर मेरा एक 7,000 की रेंज का एक अच्छा फ़ोन है, तो ये ज़्यादा स्पीडली काम करेगा, ये सिंक होना छोड़ता नहीं। अब जैसे इसमें सॉफ्टवेयर पेंडिंग आ गया, इसीलिए पेंडिंग आ गया क्योंकि मेरा बीच में से डिसकनेक्टेड हो गया। अब ये सिंक कर रहा है, सिंक होते ही शायद अपना प्रोसेस पूरा करेगा, बट इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ये मुझे बाद में करना पड़ेगा। जैसे आप इसको कंप्लीट करोगे, आप कंप्लीट देखते ही आपको पता लगेगा कि ये पूरा प्रॉपरली सिंक हो चुका है ना। सिंक होते ही इस पर लिखा हुआ आएगा राइट, राइट होते ही आपका टाइम, डेट और आपका मंथ आपको ऑन दी स्क्रीन देखने को मिलेगा।
इसमें ऑन द स्क्रीन देखने को मिलेगा। जैसे ही कंप्लीट होता है मैं इसका आपको दूसरा वीडियो बना के दिखाऊंगा अबाउट इसके फीचर्स और एनीथिंग एल्स जो भी है। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी तो ये कॉन्फ़िगर करने का इसका यही प्रोसेस है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हाउ टू कॉन्फ़िगर योर फिटबिट अल्ट्रा। और ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो ऑल्सो लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।